तो दोस्तों, क्या आपका मेकअप भी गर्मियों में काला पड़ जाता है या बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है जिससे कि पूरा फाउंडेशन निकल जाता है, जिससे हमारा पूरा मेकअप ख़राब हो जाता है? क्या आपके भी ओपन पोर्स हैं और गर्मियों में आप जब भी मेकअप करते हैं वो बहुत ज़्यादा किकी हो जाता है और आपका फेस भी काला पड़ जाता है? तो दोस्तों, गर्मी में बहुत ज़्यादा हमको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि जब भी हम मेकअप करते हैं हमारा मेकअप बिल्कुल ख़राब हो जाता है और जैसे ही हम धूप में निकलते हैं तो मेकअप की तो बिल्कुल बैंड बज जाती है, मतलब पूरा पसीने में बाहर निकल जाता है। तो अगर ऐसा ना हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपको स्किन प्रेपिंग कैसी करनी है जिससे कि हमारा जो बेस है वो बिल्कुल सेटल रहे और बिल्कुल भी पसीने में ना बहे, और मेकअप के बाद हमको कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए जिससे कि हमारा मेकअप और ज़्यादा ग्लॉसी दिखे और लॉन्ग लास्टिंग तक चले, वो भी घर पर। और आपको सैलून जाने की बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आपको पसीना आएगा तो हम सैलून में जाके ही मेकअप कराएं, बिल्कुल नहीं, आपको बस घर पर ही आप सेल्फ मेकअप कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, तो अब हम करते हैं मेकअप करना स्टार्ट। तो सबसे पहले हमको याद रखना है कि हमारी स्किन बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लीन होनी चाहिए, मतलब कि मैंने फेस वॉश कर लिया है, आपको भी फेस वॉश करना है और स्किन बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। अब बारी आती है सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप में हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं मॉइस्चराइज़र। तो दोस्तों, अभी चल रहा है गर्मियों का मौसम, तो गर्मियों में तो ऑफकोर्स हमारी स्किन ऑलरेडी ऑयली हो ही जाती है, तो वहाँ पर आपको एक ऐसा मॉइस्चराइज़र चूज़ करना है जो कि ऑयल फ्री हो, ऑयल ना हो, मतलब कि ऑयली ना हो और आपकी स्किन को डिहाइड्रेट भी रखे। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ये बायोटेक का मॉइस्चराइज़र। ये ऑल स्किन टाइप है और किसी भी मौसम में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। गाइस, ये जो मॉइस्चराइज़र है ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है और ड्राई स्किन वालों के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसका जो प्राइस है वो 220 रुपीज़ है। अगर गाइस आपकी ऑयली स्किन है और आप सोचते हैं कि मैं मॉइस्चराइज़र को स्किप कर दूं, तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर हम मॉइस्चराइज़र स्किप कर देंगे तो हमारे जो मेकअप का जो बेस है उसमें पैचेस आना शुरू हो जाएंगे। और एक और बात मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप स्किन प्रेपिंग करते हैं तो थोड़ा सा 5-10 मिनट का गैप ले लेके आपको स्किन को प्रेप करना है। गाइज, मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो वहाँ पर आप विटामिन सी का सीरम यूज़ कर सकते हैं। अभी मुझे ज़रूरत नहीं लग रही थी क्योंकि मेरी जो स्किन है वो नॉर्मल स्किन है, तो मुझे अभी मेकअप में विटामिन सी की ज़रूरत नहीं पड़ी। फेस बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई हो रहा है तो वहाँ पर आप विटामिन सी का सीरम यूज़ कर सकते हैं। अब बारी आती है दोस्तों यहाँ पर प्राइमर यूज़ करने की। तो मेरे पास यहाँ पर है दो प्राइमर, एक है सिस ब्यूटी का मेकअप रियल मेकअप बेस प्राइमर एंड दूसरा है मेरा फेवरेट लैक्मे का प्राइमर। तो गर्मियों के दिनों में कौन सा प्राइमर ज़्यादा बेस्ट होगा वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स हैं, मतलब कि आपके जो रोम छिद्र हैं वो बहुत ज़्यादा ओपन हैं, ओपन पोर्स हैं, तो वहाँ पर आप लैक्मे का प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। इसकी थिकनेस बहुत अच्छी है और ये बहुत ही अच्छा फिनिश देता है हमारी स्किन को। एंड जो स्विस ब्यूटी का प्राइमर है ये भी बहुत अच्छा है, इसको ऑयली स्किन वाले तो कर ही सकते हैं। इसको लगाने से हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा शाइन आता है और बहुत अच्छी ग्लो और ग्लासी दिखाई देती है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट ड्राई स्किन वालों के लिए बेस्ट है। आज मैं यूज़ करने वाली हूँ लैक्मे का, थोड़ा सा लूँगी। इतना सारा प्राइमर नहीं, मैं इसको फेंक नहीं सकती, बहुत अच्छा प्राइमर है ये। एंड मैं बस यहाँ पर एंड अपर लिप्स एरिया पे इसको अप्लाई करने वाली हूँ। दोस्तों, इसकी जो थिकनेस है इससे देखना आप मेरे फेस में ना एक अलग टाइप का बेस नज़र आएगा आपको, एक लेयर जैसी दिखाई देगी आपको। इस एरिया पे आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा प्रोडक्ट यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर हमको अक्सर बहुत ज़्यादा पसीना आता है। प्राइमर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग तक चलाने के लिए, तो प्राइमर को मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी जिससे कि स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो यहाँ पर मैं लेने वाली हूँ कलर करेक्टर। तो गाइज, यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये इनसाइड का कलर करेक्टर। ये बहुत ही अच्छा कलर करेक्टर है, मुझे पर्सनली ये बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें क्या है कि कई टाइप के शेड आते हैं और आपको जो भी प्रॉब्लम है उस हिसाब से आपको इसमें शेड मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ मुझको अभी बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, तो वहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ पीच कलर। कलर करेक्टर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हम डायरेक्टली फाउंडेशन यूज़ करेंगे तो कभी कभी क्या होता है कि फाउंडेशन की उतनी कवरेज नहीं होती और हमारी जो प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन है, पिंपल है, दाग है, ये दिखते रहते हैं, तो इनको छुपाने के लिए हम यूज़ करेंगे कलर करेक्टर का। गाइज, अगर आपको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट है, तो वहाँ पर आप ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर यूज़ करें या रेड कलर का। अगर आपको मेरे जैसे डार्क सर्कल्स हैं तो वहाँ पर आप पीच कलर का कलर करेक्टर यूज़ कर सकते हैं।
ओके दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने कलर करेक्टर यूज़ किया है। अब मैं इसके ऊपर यूज़ कर रही हूँ ये एलेगल प्रो का कंसीलर। इससे क्या होगा कि जो थोड़ी सी रेडनेस दिख रही है ये छुप जाएगी और हमारा बेस और भी ज़्यादा क्लीन नज़र आएगा। और जहाँ जहाँ पर मैंने कलर करेक्टर अप्लाई किया है वहाँ वहाँ पर मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ा यहाँ पर भी मुझे ब्लैक ब्लैक स्पॉट हो रहे हैं। क्या होता है कि हम धूप में ज़्यादा घूमते हैं ना, तो ये फोरहेड पे थोड़ा टैनिंग हो जाती है, इस वजह से मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे गाइस मैं ले रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर एंड उससे मैं यहाँ पर डैब डैब करूँगी, बस हल्का लाइट लाइट। यहाँ पर भी मुझे बहुत पेची एरिया हो रहा है पल्लेस पे, तो यहाँ पर मैं पीच कलर अप्लाई कर रही हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर कलर करेक्टर मैंने लगा लिया है, अब बारी आती है यहाँ पर फाउंडेशन अप्लाई करने की। तो यहाँ पर मैंने लिया है ये मैबलिन का फाउंडेशन का नंबर है 120 और एक है मेरे पास ये भी फिटमी मैबलिन का ही है, इसका नंबर है 128। तो गाइज़ क्या होता है कि जब भी मैं 128 अप्लाई करती हूँ तो वो थोड़ी देर बाद ना थोड़ा डल नज़र आने लगता है। और ये मैंने फिर दूसरा सेट मंगाया है 120 की, ये थोड़ा लाइट है यानी कि ये बहुत ज़्यादा मुझे फेयर दिखा देता है। तो मैं क्या करती हूँ कि इन दोनों को मिक्स करके एक बेस बनाती हूँ, वो परफेक्ट मेरा जो फेस है, मेरी जो स्किन टोन है वो परफेक्ट मैच होता है। तो मैं इन दोनों को मिक्स करके अप्लाई करने वाली हूँ। दोस्तों जब तक मैं फाउंडेशन को ब्लेंड कर रही हूँ तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने फाउंडेशन भी अप्लाई कर लिया है, अब बारी आती है कंसीलर की। तो आपको कंसीलर ऐसा लेना है, अगर आपको थोड़ा सा हाइलाइटिंग करना है आपके फेस को तो आप अपनी स्किन टोन से दो टोन लाइट कंसीलर लें, यानी कि थोड़ा सा फेयर दिखाने के लिए दो टोन लाइट कंसीलर लें। अगर आपको बेस बनाना है, मतलब कि फाउंडेशन यूज़ नहीं करना है, सिर्फ कंसीलर से बेस बनाना है, तो आपको अपनी स्किन टोन के हिसाब से ही कंसीलर यूज़ करना है। तो मैं सिर्फ अपने अंडर आई एरिया पर यहाँ पर अप्लाई करूँगी क्योंकि यहाँ पर हमने फाउंडेशन अप्लाई नहीं किया है। एंड देन यहाँ पे एंड इसको यहीं पे बस थोड़ा थोड़ा ही हमको डैब डैब करना है, ज़्यादा नहीं। तो गाइज यहाँ पर हमारा बेस बिल्कुल कंप्लीट होता है और अभी तक बेस बिल्कुल परफेक्ट बना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। एंड गाइज अब बारी आती है लूज पाउडर अप्लाई करने की। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का लूज पाउडर, इसको स्किप करने का बिल्कुल सोचना भी मत। लूज पाउडर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गर्मियों में क्योंकि ये हमारे बेस को बिल्कुल सेटल रखता है, इसके बिना भी हमारा मेकअप कंप्लीट नहीं होगा। अगर गाइज आपकी ऑयली स्किन है तो आप वहाँ पर कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हैं। अगर नॉर्मल स्किन है या अगर आपको चाहिए कि हमारे आईज के नीचे बिल्कुल भी लाइन्स नहीं आए तो वहाँ पर आपको लूज पाउडर ज़रूर यूज़ करना है। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ। तो ये यहाँ पर मैंने लिया है फिटमी का कॉम्पैक्ट पाउडर। और गाइज मैं आपको बता दूँ, अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो वहाँ पर आप लूज पाउडर लगा सकते हैं, कॉम्पैक्ट पाउडर को थोड़ा सा स्किप कर दें क्योंकि वो थोड़ा सा स्किन को हल्का सा ड्राई भी कर देता है। तो गाइज यहाँ पर अब बारी आती है आई मेकअप करने की। तो आई मेकअप के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर स्विस ब्यूटी का मेकअप प्रो पैलेट। तो दोस्तों आज मैं आई शेडो के लिए यूज़ करने वाली हूँ ब्लैक आई शेडो एंड थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर। मैं इन दोनों से ही अपने आई को कंप्लीट करूँगी। आई शेडो अप्लाई करने से पहले मैं अपने आईब्रोज को सेट करूँगी, जिसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर ब्लैक आई शेडो। आप कोई भी पेंसिल या जेल से सेट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे आई शेडो के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिया है ये काजल, मैं काजल से थोड़ा सा स्मोकी लुक करने वाली हूँ आज एंड मैं इस काजल को ब्लेंड करूँगी। वाओ ये कितना अच्छा काजल है। अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ ब्लैक आई शेडो। ओके दोस्तों, तो अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ हल्का सा ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन। ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं पिंक और ब्लैक का कॉम्बिनेशन कर रही हूँ। ओके दोस्तों, तो अब मैं यूज़ करने वाली हूँ हल्का सा ग्लिटर, बिल्कुल लाइट शिमर है और इसको मैं बस सेंटर में अप्लाई करूँगी। यहाँ पर बस आपको सेंटर में अप्लाई करना है, ज़्यादा उसको ब्लेंड नहीं करना इधर उधर। तो दोस्तों अब मैं अब बारी है लाइनर की। तो लाइनर मैं ले रही हूँ फेसेस कैनेडा का लाइनर और आज हम विंग बाहर नहीं निकालेंगे, जस्ट हमको इसको यहीं पे फिनिश करना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर काजल भी यूज़ कर सकते हैं। अब बारी आती है मस्कारा की। तो यहाँ पर मस्कारा भी मैंने फेसेस कैनेडा का लिया है, आप चाहें तो यहाँ पर आईलेसेस का यूज़ कर सकते हैं। अब बारी आती है काजल अप्लाई करने की। तो मैं काजल यूज़ कर रही हूँ ये। ओके गाइस, तो यहाँ पर मेरी दोनों आईज़ कंप्लीट हो गई हैं और ये आई मेकअप मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
अब बारी आती है यहाँ पर अप्लाई करने की ब्लश की, हाइलाइटर की एंड कॉन्टोर की। और उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये सुगर का पैलेट। चलो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे कॉन्टोर। अगर आपको नीड है तभी आप अप्लाई करें, नहीं तो कोई बात नहीं। कॉन्टोर करने से क्या होता है गाइस कि एक अच्छा सा एक फिनिश लुक आता है एंड थोड़ा सा बस नोज पे। अब बारी आती है यहाँ पर ब्लश की। बहुत ही नेचुरल फिनिश है इस वाले ब्लश का। अब बारी आती है हाइलाइटर की। तो दोस्तों अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ ये हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे मेरा लिपस्टिक भी कंप्लीट होता है एंड अब बारी है हमारे मेकअप के मेन प्रोडक्ट की, जो कि हमको गर्मी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअली गर्मी हो या कोई सा भी मौसम हो, इसकी ज़रूरत तो हमें हमेशा पड़ती है, बट गर्मियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि प्राइमर ज़रूरी है, वैसे ही हमको मेकअप फिक्सर ज़रूरी है। ये हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग तो चलाता ही है और ये हमारे फेस को डल होने से, हमारे मेकअप को काला पड़ने से भी बचाता है। तो दोस्तों अब मैं मिलती हूँ आपको फाइनल लुक के साथ। तो दोस्तों ये है मेरा फाइनल लुक। मैं आपको अपना आई मेकअप दिखाती हूँ और ये वाला लुक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो ये सारी चीज़ें जो आपको बताई हैं वैसे ही स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका मेकअप भी मेरी तरह ही सेटल रहेगा और काफ़ी घंटों तक ऐसा ही रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। चाहे आप धूप में जाएं या फिर आपको कई घंटों तक का सफ़र करना पड़े। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिलते रहें। बाय।